हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन। तो आज मैं आपके सामने बनाने के लिए जा रही हूँ ये मलाई पनीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही कम समय में ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने हैं, हम बहुत ही कम मसालों के साथ इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए मिलकर इस रेसिपी को हम बनाते हैं। तो इसी के साथ मैंने गैस पे बर्तन को रख दिया है और इसके अंदर मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में जो ये रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। और इसी के साथ में मैंने डाला है इसके अंदर 2 से 3 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा, जो कि मैंने बीच में से तोड़ लिया था, क्योंकि इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये 2 प्याज का जो मैंने पेस्ट बना रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। बस प्याज को मैंने अच्छे से सॉफ़्ट होने दे दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है, एक अच्छा सा कलर इस प्याज ने ले लिया है। इसी के साथ में मैं डाल दूँगी ये 3 टमाटर की प्यूरी जो मैंने बनाकर रखी हुई थी। अब इसको अच्छे से हम चला लेते हैं और बस इसको थोड़ा सा हम भुनने देते हैं, और इसको हम जब तक भुनेंगे जब तक इसका एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। और टमाटर के साथ में मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 चम्मच नमक, ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और इसी के साथ में मैंने डाल दिया है ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो बस अब इस मसाले को हम डालकर अच्छे से चला लेंगे और इसको जब तक चलाएंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें, और इसको ऐसे ही हम भुनने देंगे अभी मसाले को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर बनकर इसका तैयार हो जाए। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने बहुत ही कम मसाले डाले हैं। इसके अंदर हमने हल्दी और कुछ भी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड नहीं करा है और ना ही हमने बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मसाले डाले हैं, लेकिन एक फिर भी बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट इस रेसिपी का आएगा, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है एकदम सूखा हो चुका है और मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस मिक्सी के जार में मैंने टमाटर को पीसा था उसी जार में मैंने पानी को थोड़ा सा डाल के ऐड कर दिया है। तो पानी हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि अब जो ये मसाले हैं अच्छे से भुन जाएं और किसी भी मसाले का कच्चापन इसमें ना आए टेस्ट में। तो बस अब इसको 2 मिनट के लिए और भुनने देते हैं और एक इसका अच्छा सा रंग आने देते हैं सब्जी का। तो 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा के इस मसाले को छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए और किसी भी मसाले का कच्चापन ना रहे। और इसी के साथ में मैंने ये पनीर भी काट के रख लिया है, तो मैंने पनीर के मोटे पीसेस करे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 मिनट इस मसाले को पकते हुए हो चुकी है और मसाले ने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसी के साथ में मैंने डाल दिया है ये 1 चम्मच ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खट्टा मीठा सा जो इसका टेस्ट आता है वो सबको बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको 2 मिनट के लिए हम और ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। तो 2 मिनट इसको पकते हुए हो चुके थे और जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसी के साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर जो हमने काटा हुआ था। तो सारा पनीर हम इसके साथ में एकदम ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पनीर इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जब हम मसाले में पनीर को चलाते हैं तो कई बार हमारा पनीर जो है सॉफ़्ट होने की वजह से टूट जाता है, तो हमें इस बात का खास ध्यान देना है। तो बस अब इसको चला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम पनीर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब बाकी का बचा हुआ पनीर भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से चला लेती हूँ मैं इसको थोड़ा सा। अब इसके अंदर बाकी का पनीर मैंने ऐड कर दिया है और इसी के साथ में मैंने डाल दिया है इसमें ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। और इसके अंदर हम दूध नहीं डालेंगे क्योंकि हम मलाई पनीर बना रहे हैं। तो बस अब इसको अच्छे से हम चला लेते हैं और चलाने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको और छोड़ देंगे ढक्कन लगा करके, ताकि ये जो पानी अच्छे से पक जाए। तो ये 2 मिनट के लिए अच्छे से पक चुका था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग इस सब्ज़ी का आ चुका है। और इसी के साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये फ्रेश अमूल क्रीम, और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे सब्ज़ी का आता है। और बस इसको अच्छे से हम चला लेते हैं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये बेहतरीन रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से बेहतरीन वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहे। तो मैं चलती हूँ आपके लिए इसी तरह से और नई बेहतरीन रेसिपी लेकर आने के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।